दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मैच में ऐसा कारनामा हुआ जो दक्षिण अफ्रीका में 111 साल तक कभी नहीं हुआ। जी हां, दरअसल पहले टी20 मैच में बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। पहले गेंदबाजी करते हुए कप्तान शाकिब अल हसन ने पहला ओवर फेंका, इसके बाद दूसरा ओवर भी स्पिनर मेहदी हसन ने फेंका। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में 111 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत की हो। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर 111 साल में ये पहली बार था जब किसी टीम ने गेंदबाजी करते हुए स्पिन गेंदबाजों के साथ पारी का आगाज किया हो। बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर शाकिब ने फेंका और दूसरा ओवर मेहदी हसन ने। यही नहीं, हसन ने अपने पहले और पारी के दूसरे ओवर में हासिम आमला का विकेट भी चटका दे दिया। शाकिब ने पहले ओवर में 10 रन दिए तो वहीं हसन ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए। हालांकि पहले दो ओवरों के बाद ही स्पिन जोड़ी हटा ली गई और तीसरा ओवर रुबेल हुसैन और चौथा ओवर तस्कीन अहमद ने फेंका, लेकिन शाकिब और हसन ने दक्षिण अफ्रीका में 111 साल बाद इतिहास जरूर रच दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका सिर्फ 18 रनों पर ही गिर गया। पहले विकेट के रूप में हाशिम आमला 3 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद एबी डिविलियर्स और क्विंटन डीकॉक ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। इस दौरान डिविलियर्स ने तो बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और आउट होने से पहले 27 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली। वहीं दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन हो गया था।